हल्द्वानी शहर के मल्ला गोरखपुर एमबीआई की शाखा के पास इन दिनों नहर कवरिंग का कार्य जोर शोर से चल रहा है। वहीं कई परिवारों के सामने सिवर लाइन की समस्या खड़ी हुई है। महिलाओं का कहना है कि सिवर लाइन तोड़ने की बात की जा रही है, ऐसे में इतना पुराना सिवर कैसे तोड़वाए। वहीं बरसात में भी पानी भर जाता है, ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एस के श्रीवास्तव पर आरोप लगाया कि नहर कवरिंग के समय उन्होंने पूरी तरह आश्वासित किया था सिविल लाइन नहीं हटाई जाएगी। वो अपनी बात से मुकर कर दूसरे विभाग का हवाला दे रहे हैं। बता दें कि मामले को लेकर अधिशासी अभियंता एस के श्रीवास्तव का कहना है कि नहर के बाई तरफ सिविल लाइन है और दाहिनी तरफ निवास करने वाले लोगों की चैम्बर नहर को पार करते हुए सिविल लाइन तक जाते हैं। सिविल लाइन तक जो है ये रास्ता जाता है जहाँ प्लास्टिक और अन्य गंदगी जमा होती है और जल भराव जैसी स्थिति भी हो जाती है। पेयजल लाइन के कनेक्शन तो आवंटित कर दिए जाएंगे, पर सिविल लाइन लोगों को खुद शिफ्ट करनी होगी। पर लोगों का कहना है इसका पैसा सरकारी पैसे से करवाया जाए तो यह मुमकिन नहीं है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये जो नहर कवरिंग का काम चल रहा है एसबीआई के बगल में, तो नहर के लेफ्ट साइड में सीवर लाइन चल रही है हमारी, और जो नहर के राइट साइड में लोग हैं तो उनके सीवर चैम्बर हैं जो नहर को पार करते हुए लेफ्ट साइड में गिर रहे हैं। वो जो इनके सीवर की लाइन जो जा रही है, जिसकी वजह से जो पीछे से जो प्लास्टिक वगैरह कचरा वगैरह जो भी आता है वो पाइप काफ़ी नीचे है नहर में, उसे वो फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से पानी रुकता है और शायद जो नीचे वाले घर हैं उनमें पानी की बाढ़ वगैरह आ जाती है।